हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित फार्मासिस्ट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एंजेल 250 mg टेबलेट के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एंजेल टेबलेट के यूजेस के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके डोज और इसके साइड इफेक्ट और प्राइस रेट और कुछ सावधानियों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें एंजेल टेबलेट के बारे में तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग ब्लू क्रॉस लोवर्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा की जाती है। और बात करें इस टेबलेट के कंपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट को बनाने में सिपोरोक्सिम एक्सोटिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिपोरोक्सिम एक्सोटिल की क्वांटिटी 250 mg होती है। ये टेबलेट आप किसी भी मेडिकल स्टोर से बड़े आसानी से परचेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात करें इस टेबलेट के यूजेस के बारे में तो फ्रेंड्स, ये टेबलेट एंटीबायोटिक टेबलेट होती है। इस टेबलेट का इस्तेमाल फ्रेंड्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि कोई पेशेंट है जिसके साइनस की समस्या है तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और टाउनसिल की समस्या में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कोई पेशेंट है जिसके मूत्र मार्ग में यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो तो ऐसी कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, कान के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, या गले का इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हड्डियों के इन्फेक्शन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। स्किन इन्फेक्शन में भी एंजेल 250 mg टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, पेट में इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेबलेट का उपयोग फ्रेंड्स एंटीबायोटिक की जगह किया जाता है। और फ्रेंड्स, बात करें एंजेल 250 mg टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट का सेवन करने से कुछ सामान्य से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर ये टेबलेट आपको सूट नहीं होती है तो। जैसे कि फ्रेंड्स, उल्टी होना या मतली, जी घबराना, सर में दर्द होना या कब्ज की प्रॉब्लम हो जाना, ये सभी इसके सामान्य से साइड इफेक्ट हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अलावा भी कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से जानकारी लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही एंजेल 250 mg टेबलेट का सेवन करना चाहिए। और फ्रेंड्स, बात करें एंजेल 250 mg टेबलेट के डोज के बारे में तो फ्रेंड्स, एंजेल 250 mg टेबलेट की डोज व्यक्ति की उम्र और बीमारी पर निर्भर करती है। आमतौर पर इस टेबलेट की डोज को एक एडल्ट पर्सन इस टेबलेट को एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद ले सकता है। फ्रेंड्स, डोज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब बात करें एंजेल 250 mg टेबलेट की कुछ सावधानियों के बारे में तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट का सेवन करने से पहले कुछ सावधानियों का ध्यान अवश्य रखें। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपको एंजेल 250 mg टेबलेट में मिलाए गए कंटेंट से एलर्जी है तो आपको इस टेबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट का सेवन करना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी इस टेबलेट का सेवन करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही इस टेबलेट का सेवन करना चाहिए। और फ्रेंड्स, इस टेबलेट का इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी अन्य एंटीबायोटिक टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई अन्य एंटीबायोटिक टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से जानकारी अवश्य लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही किसी अन्य दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। और फ्रेंड्स, जिन लोगों को लीवर और किडनी की समस्या है उन लोगों को अपने डॉक्टर से जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस टेबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सावधानियां हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।